नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसारखा। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई यह है कि जेजेपी जननायक जनता पार्टी और बीजेपी जो गठबंधन है दोनों का, जेजेपी बीजेपी के साथ इस गठबंधन से बाहर हो सकती है, जेजेपी एनडीए से बाहर आ सकती है। आज मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने बीजेपी विधायक दल की एक बैठक भी बुलाई है। कल रात सीएम खट्टर ने पार्टी के नेताओं के साथ भी मंथन किया है। तो मनोहर लाल खट्टर ने आज बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई है। हरियाणा में सियासी हलचल तेज है और सबसे ज्यादा कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि जेजेपी एनडीए से बाहर आ सकती है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, हरियाणा दुष्यंत चौटाला की पार्टी एनडीए गठबंधन से बाहर आने के जो कयास लगाए जा रहे हैं, नाराजगी की वजह क्या बताई जा रही है अभी दुष्यंत चौटाला की? नीरज पांडे, देखिए दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी है। जेजेपी दो सीटें मांग रही है, किसार और एक सिरसा, दो लोकसभा सीटें मांग रही है, वो चुनाव लड़ाना चाहती है। दो लोकसभा सीटें मांग रही है, वो चुनाव लड़ाना चाहती है अपनी पार्टी को लोकसभा का। लेकिन माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें देने को तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों सीटों से उनके जीते हुए सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो अपने लोगों को रिपीट करना। लेकिन जेजेपी की मांग है कि इन दोनों सीटों पर अगर उनको लोकसभा लड़ाया नहीं जाता है तो वो पार्टी से बाहर अपना समर्थन वापस भी ले सकते हैं। और आज मैं आपको बता दूँ, एक फाइनल दौर की बैठक थोड़ी देर में अमित शाह के साथ जेजेपी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला की होने वाली है और उस मुलाकात के बाद ही ये अंतिम फैसला लेंगे। क्योंकि अभी तक की जो जानकारी उसके अनुसार जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन टूटना लगभग तय हो चुका है। कल रात में विधायक दल की एक बैठक भी बुलाई थी मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में, उसमें भी बहुत सारी इस तरह की बातें। आप जो कह रहे हैं कि ये लगभग तय माना जा रहा है कि ये गठबंधन टूटेगा हरियाणा में, उससे हरियाणा सरकार, सीएम की कुर्सी, इसको लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर किसी तरीके का खतरा? क्योंकि अपने दम पर बीजेपी के पास 41 विधायक हैं हरियाणा में, इसके अलावा जो 5 निर्दलीय हैं वो मजबूती से फिलहाल तो बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, साथ में गोपाल कांडा वो भी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आंकड़े के लिहाज से तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा बनाए रखेगी अगर जेजेपी बाहर हो भी जाती है राज्य में। नीरज पांडे, देखिए हरियाणा में हलचल बहुत तेज है। हरियाणा में सरकार को लेकर, सरकार गिरने जैसी कोई स्थिति नहीं है कि सरकार गिरी, ये अलग बात है कि ऐसी एक चर्चा चल रही है कि हो सकता है सरकार का चेहरा कोई और हो सकता है, मुख्यमंत्री कोई बदल सकता है। इसके लेकर आज एक बैठक भी बुलाई गई है विधायक दल की, उस विधायक दल की बैठक में बहुत कुछ तय होगा, लेकिन अभी ये अंतिम फैसला नहीं कहा जा सकता, ये निर्णय नहीं लिया। बहुत कुछ अभी डिपेंड करेगा थोड़ी देर में, अगले 1-2 घंटे में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, चीजें बहुत अलग हो रही है। आप जो बात कह रहे हैं, जरा असीम बसी का रुख कर लेते हैं और असीम बसी से समझने की कोशिश करते हैं। असीम, मामला जो शुरू हुआ वो लोकसभा सीटों को लेकर कि साहब जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है उसको लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी चाहिए, उसको 2 सीटें चाहिए हरियाणा में, और हम सब जानते हैं कि हरियाणा में किस तरीके से बीजेपी ने चुनाव में पिछली बार क्लीन स्वीप किया था। तो मतलब बीजेपी के खाते वाली सीटें, उस पर दावा दुष्यंत चौटाला की पार्टी की तरफ से किया जा रहा है ना, ऐसे में ये सीएम चेहरा बदलने का जो सुगबुगाहट प्रदेश की सियासत में है, जिसका जिक्र नीरज पांडे कर रहे थे, उसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? मुझे लगता थोड़ा अर्ली है, जो स्पेकुलेशन थोड़ा सा अर्ली है। ठीक है, हिसार और भिवानी है, महेंद्रगढ़ जो सीटें हैं, 2 सीटें वो मांग रहे हैं, और खास करके हिसार में जब ये ब्रजेंद्र सिंह चले गए कांग्रेस की तरफ, उसके बाद जेजेपी ने ज़्यादा जोर लगाना शुरू किया कि हमें ये सीट चाहिए। 10 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी, 2 वो मांग रहे हैं, लेकिन लगातार मना किए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, पिछले संडे एक मीटिंग हुई थी जेजेपी भी, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि अगर हमें 2 सीटें बीजेपी नहीं देती है तो हम 10 की 10 सीटें हैं वो अलग से लड़ेंगे। आज विधायक दल की बैठक है, लेकिन जो आपने इंपॉर्टेंट बात कही है रोमाना, वो ठीक है कि फिगर उनके साथ है, 41 MLA बीजेपी के अपने हैं, 5 निर्दलीय हैं, और लोग भी जो हैं जो उनके साथ आइडियोलॉजिकल अलायंस है उनका, तो मुझे लगता नहीं सरकार गिरने वाली बात है। हाँ, सीएम फेस चेंज होना नहीं होना बहुत अर्ली है, अभी इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं चल रही यहाँ पर चंडीगढ़ में, 11:30 मीटिंग शुरू होगी। लेकिन नीरज पांडे ने बताया कि चेहरा मुख्यमंत्री का बदला जा सकता है। नीरज, आपके पास क्या खबर है, आपको सूत्र क्या बता रहे हैं, चेहरा बदल कर क्या हासिल हो जाएगा? नीरज, नहीं देखिए असीम की बात से मैं सहमत हूँ, चेहरा बदलना नहीं बदलना ये बहुत अर्ली बात है। चेहरा बदल सकती है भारतीय जनता पार्टी, एक छोटी बात है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज ये बहुत कुछ, मैंने कहा क्या, विधायक दल की बैठक में डिपेंड करेगा।
देखिए हर घटना के पीछे एक घटना का तर्क रहता है। आज पहले जेजेपी का फैसला होगा, उसके बाद ही कुछ चीज़ें तय होंगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत चीज़ें इतनी तेज़ी से नहीं करती है। अगर भाजपा में ये लगा कि चेहरा बदलना ही है, बदलने से ही फायदा है, तो बदल भी सकती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ये अभी बहुत जल्दबाजी होगा। मैं असीम से बिल्कुल पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। मेरा सवाल ये है कि चेहरा बदलकर हासिल क्या होगा बीजेपी को? जेजेपी एक तरीके से जाटों की पार्टी, कहीं जेजेपी अगर एनडीए से बाहर जाती है, असीम बसी, उससे कहीं जाट नाराज ना हो जाएं। इसलिए अगर चेहरा बदला जाएगा तो खट्टर को हटाकर क्या कोई जाट चेहरा सामने लाया जा सकता है? इस वजह से कि चेहरा बदलने वाले जो कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि अर्ली है, ये मैं भी दोहरा देती हूँ वही बात जो आप दोनों दोहरा रहे थे। आइए असीम बसी। वो सेकेंड राउंड ऑफ स्ट्रैटेजी होगी, पहले तो कोशिश यही होगी कि अलायंस बच जाए किसी तरह, क्योंकि नुमाना लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा क्राइसिस नहीं चाहती है कि सरकार गिर जाए या हमें फेस बदलना पड़ जाए। आप देख सकते हैं हिमाचल में क्या हुआ, मतलब हेलमेट थी कांग्रेस हाईकमांड की, हम सुक्खू को नहीं बदलेंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि ठीक लोकसभा जब अराउंड द कॉर्नर है तो हम चेहरा बदल दें। लेकिन हाँ, अगर पहले अगर अलायंस टूट जाता है, दे रन आउट ऑफ नंबर्स, फिर हो सकता है कि अगर सेकंड राउंड ऑफ स्ट्रेटजी जो है वो बीजेपी लेकर आए, किसी जाट फेस को ले आए। लेकिन अभी मुझे लगता है हमें वेट करना चाहिए आज जो विधायक दल की बैठक है उसके। ठीक है नीरज पांडे, ऐसे में ये जो दो सीटों पर दावेदारी दुष्यंत चौटाला की तरफ से जताई जा रही है, एक वो भिवानी महेंद्रगढ़ वाली सीट, हिसार वाली सीट, इसको लेकर सूत्र आपको क्या बता रहे हैं बीजेपी के भीतर से? बीजेपी की तरफ से कितनी गुंजाइश साथ रखने की जेजेपी को लोकसभा चुनाव और इसके बाद विधानसभा चुनाव का भी नंबर है हरियाणा में तो अक्टूबर नवंबर में। जी देखिए रोमाना, मेरी जो जानकारी है, कल भाजपा के प्रमुख जेपी नड्डा ने दो टूक शब्दों में साफ कह दिया है कि हम इस बात से तैयार नहीं है कि हम दोनों सीट आपको दें। भारतीय जनता पार्टी उन दोनों में अपने सीटिंग सांसद को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है, वहां पे अपने कैंडिडेट देने की तैयारी में है। भाजपा चूंकि उनको भाजपा का मानना है कि दोनों जगह उनके सांसद जीते हुए हैं और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट देगी, तो भाजपा जेजेपी की बात इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। कल आपको बता दूँ जेजेपी के जो नेता हैं दुष्यंत चौटाला और जेपी नड्डा के बीच में जो लंबी चर्चा चली शाम को, उस बैठक में ये बेनतीजा बैठक रही, इसलिए बहुत अपसेट थे दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जब वहाँ से निकले तो उन्होंने बाकायदा अमित शाह जी से समय मांगा है मिलने का, और माना यह जा रहा आज अमित शाह जी से मिलने के बाद वो अपना फाइनल डिसीजन अनाउंस करेंगे। बिल्कुल मेरी पुख्ता जानकारी है कि ऑलमोस्ट ये जो गठबंधन है वो डेड हो चुका है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं नीरज पांडे, कह रहे हैं कि आप ये मानकर चलिए कि गठबंधन खत्म हो गया है। नीरज पांडे इस वक्त एबीपी न्यूज पर दर्शकों को बड़ी जानकारी दे रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है वो ये आप मान लीजिए कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हालांकि मैं ये जोड़ती चलूं आपको कि शाम में एक मुलाकात होनी है जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला और गृहमंत्री अमित शाह के बीच, उसके बाद ही कुछ औपचारिक तौर पर तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल दरार इतनी ज्यादा बढ़ती हुई दोनों पार्टियों के बीच कि ऐसा लग नहीं रहा है कि इस वक्त बात बन पाएगी।